हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस टैली के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर कार। मैं यहां पे प्रोविजन फॉर कार एक ऑप्शन ले रहा हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर ऑफिस, प्रोविजन फॉर बाइक, प्रोविजन फॉर सैलरी, प्रोविजन फॉर कुछ भी, जो भी आपको फ्यूचर में खरीदना है, जो भी आपको फ्यूचर में कंपनी के लिए खरीदना है, आप उसका प्रोविजन बना सकते हैं। और फिर उसके बाद पैसे पूर्ण होने पर हम कैसे उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आज हम टैली के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे प्रोविजंस। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी फॉर वाउचर, एफ सेवन फॉर जर्नल। हम आज खरीदेंगे, आज की एंट्री में हम जो है प्रोविजन फॉर कार खरीदेंगे। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करूँगा, इकाई दहाई 60,000। और प्रोविजन फॉर कार मैं क्या करूंगा, यहां से बना दूंगा मैं F2 करके 1/4 डेट बदल दिया इसकी, 1/4/22 को मैंने ये एंट्री कर दी है। ऐसे करते हुए हम सारी एंट्री कर देंगे। सारी एंट्री करने के बाद हम डिस्प्ले देखेंगे, DAJ डिस्प्ले अकाउंट, सॉरी DAL होगा, DAL डिस्प्ले अकाउंट प्रोविजंस फॉर कार, प्रोविजंस फॉर कार। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 12 एंट्री कर दिया है, 1/4 से लेकर के 31/3/23 तक, 4/5/6/7 हर महीने के एक एक एंट्री कर दी है। टोटल मेरे पास जो है 7,20,000 रुपये प्रोविजंस में हो गए हैं। तो अगर आप इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर देखो दिखाएगा 7,20,000 जो है, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 7,20,000 घट गया है, जो आप और उसमें से 7,20,000 घट गया है। अब हम इसका, अभी आप देखेंगे हमारे पास फिक्स एसेट कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या परचेज करेंगे, फिक्स एसेट। वी फॉर वाउचर, एक्शन फॉर जर्नल। मैंने एक होंडा सिटी कार बना रखा है, होंडा सिटी कार को कंट्रोल एंटर करके फिक्स एसेट में रखा हुआ हूँ, कंट्रोल ले करके डेटा को सेव कर दिया। इकाई 7,20,000, 7,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट अल्ट्रा फोन। हमारे पास जो फिक्स एसेट था 7,20,000 वो आ गया है, और जो हमारे पास लेस ट्रांसफर्ड दिखा रहा था, जो हमारे पास लेस ट्रांसफर्ड 7,20,000 दिखा रहा था वो हट गया है। तो आज की एंट्री में हमने सीखा कि प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजंस कैसे बनाया जाता है, और उस प्रोविजन से हमें जो भी ऑफिस के लिए जो भी गुड्स खरीदना होता है, या जो भी हमारे लिए फिक्स एसेट या जिस भी सामान की आवश्यकता होती है, उसको हम कैसे खरीदते हैं, तो आज हमने ये सीखा। दोस्तों, अगर आप आज का ये हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।